नहीं है। आज परमेश्वर के लिए शब्द निकले थे कृपा सिंधु, करुणा निधि, क्षमावान, परम कृपा स्वरूप, प्रेम स्वरूप परमात्मा। इन शब्दों को सत्य देखना चाहते हो तो मेरी माता सज्जनों मुझे देखो, मेरी याद आई, मैं कभी दिखाई दूं तो आपके मुख से झट से निकलेगा वह राम वाह। तो वाक्य ही कृपा सिंधु है, यदि उस जैसे पर कृपा हो सकती है तो फिर सारे संसार पर कृपा हो सकती है। कुछ साधक जनों आज अपने जीवन के बारे में सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको परमात्मा की कृपा कैसे होती है उसकी कृपा का एक नमूना आपके सामने, उसकी कृपाओं का नमूना आपके सामने। 1955 में मैंने 10वीं पास कर ली थी। हमारी जॉइंट फैमिली थी, गरीब नहीं थे। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाने से इनकार कर दिया, आगे हम नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन मेरे मन में बड़ी भारी इच्छा थी कॉलेज में जाने की। प्राइमरी स्कूल था जिस स्कूल से पढ़ा था, उस प्राइमरी स्कूल में मुझे अनट्रेन्ड टीचर की 40 रुपये महीने पर नौकरी मिल गई। 9 महीने नौकरी की, 1-2 ट्यूशन रखी, 2 बच्चियों को पढ़ाता था। 400 से कम में पैसे थे इकट्ठे हुए और घर छोड़ के तो अमृतसर चला गया। हिंदू कॉलेज में वहाँ एडमिशन ले ली। उन दिनों 10+2 नहीं होती थी, FSC होती थी। 2 साल वहाँ पढ़ाई की एज ए पुअर स्टूडेंट। मैं था नहीं पुअर, मेरे माता पिता भी पुअर नहीं थे, पर मुझे मेरी माता और सज्जनों जब से मुझे होश है मुझे गरीब बन के रहना बहुत अच्छा लगता था। मैं अभी भी अपने आप को गरीब ही कहता हूँ और कहता ही नहीं समझता हूँ, मैं हूँ ही गरीब। कोई हिंदू कॉलेज का पुराना रिकॉर्ड अगर आपको मिल जाए देखने को तो मेरा नाम एज ए पुअर स्टूडेंट वहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको। हिसार वेटरनरी कॉलेज, पशुओं के डॉक्टर, मुझे बड़ी आसानी से वहाँ एडमिशन मिल गई। 4 साल का कोर्स था, मैंने 4 साल का कोर्स किया। मैं हूँ तो पशुओं का डॉक्टर, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं कि मैं डॉक्टर नहीं, ये परमात्मा की कृपा नहीं तो और क्या है। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि मैं पशुओं का डॉक्टर हूँ, इसके बावजूद भी शायद ही कोई मानने की ये जो कह रहा है ठीक है। परमात्मा ने कहाँ कहाँ मुझे संभाल के और छुपा के रखा हुआ है, ये परमात्मा की कृपा नहीं तो और क्या है। वहां जाके टॉपर था, स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गया। उन दिनों 50 रुपये महीना स्कॉलरशिप मिलता था, ठीक गुजारा हो जाता था उसमें। माता पिता को बहुत तकलीफ नहीं थी, कभी देनी चाहिए ही नहीं। जैसे भी होगा मैं गुजारा करूंगा। 4 साल निकल गए, नौकरी लग गई पंजाब में, थोड़ी देर नौकरी की। उसके बाद चूंकि वहाँ का टॉपर था और टॉपर होने के नाते मुझे वहीं पर टीचिंग पोस्ट मिलनी चाहिए थी। उन दिनों डिमॉन्स्ट्रेटर कहते थे, लेक्चरर अभी नहीं कहते थे। डिमॉन्स्ट्रेटर की पोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में भी ऐसे ही कहते थे, वेटरनरी कॉलेज में भी ऐसे ही कहते थे। डिमॉन्स्ट्रेटर की पोस्ट मुझे मिल गई मेडिसिन में, क्लिनिकल मेडिसिन में, लेबोरेटरीज का काम करता था। 1962 दिसंबर में वहां पहुंचा, 64 में
कुश्ती महाराज का वहां आगमन हुआ। 64 में दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद महाराज को एक पत्र लिखा इंग्लिश में। मुझे पता नहीं था कैसे पत्र लिखा जाता है, तो मैंने किसी से सलाह ली कि महाराज को पत्र कैसे लिखा जाता है। देखो कैसा बुद्धू मैं हुआ करता था, अभी ऐसा ही हूं मेरी माता और सज्जनों, अभी कोई बहुत अंतर नहीं है। सांसारिक दृष्टि में बहुत ही निकम्मा, बहुत ही बुद्धू। पत्र लिखा महाराज, आई वॉन्ट टू सर्व दी ह्यूमैनिटी, मुझे ये काम पशुओं का बिल्कुल पसंद नहीं है, ना डॉक्टरी पसंद है, ना मैं इन्हें पढ़ाना ही चाहता हूं। महाराज ने आशीर्वाद भरा पत्र वापस भेजा। 64 की बात है। 65 से मेरा एम्स में शिफ्ट होने का संबंध बनने लग गया। एक पशुओं का डॉक्टर एम्स में कैसे, ये परमेश्वर की कृपा नहीं तो और क्या है। 2 महीने के लिए मुझे डिपार्टमेंट वालों ने एक दफा ट्रेनिंग के लिए भेजा दिल्ली। वहीं से मेरा संपर्क, मेरा संबंध एम्स से बढ़ता गया। क्या देखा एम्स ने मुझ में, मुझे पता नहीं। ऐसे ही जैसे कहता हूं, क्या देखा मेरे गुरुजनों ने मुझ में जो मुझे ऐसा बना दिया, ऐसे ही उनके लिए भी कहता हूं। एमएससी कोर्स वहां निकला, कुछ सब्जेक्ट्स वेटनरी के और मेडिकल के कॉमन होते हैं, उनमें कुछ सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज निकले। आई वॉज द फर्स्ट वन टू गेट इट। मुझे वहां एडमिशन मिल गई। मैं 1966 में दिल्ली आ गया। यहीं से जिंदगी शुरू होती है, यहीं से महाराज का प्यार, महाराज का सन्निध्य, श्रीराम शरणम आना जाना शुरू हुआ। अनेक सारे सब्जेक्ट्स, जैसे मेडिकल कॉलेज में वैसे वेटरनरी कॉलेज में भी अनेक सारे सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स में किसी में डिस्टिंक्शन, किसी में सिल्वर मेडल, किसी में कुछ, किसी में कुछ। मानो फर्स्ट क्लास मार्क्स, उन दिनों फर्स्ट क्लास बड़ी कठिन बात हुआ करती थी, फर्स्ट डिवीजन बोलते थे, फर्स्ट डिवीजन में सभी सब्जेक्ट्स में 2 कुछ छूट गए। एक सर्जरी जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, ये काटना पीटना मुझे अच्छा नहीं लगता था, अतएव इसमें मेरी फर्स्ट डिवीजन नहीं आई। एक सब्जेक्ट जिसमें मैं जब रिटायर हुआ तो सारे एशिया का सबसे बड़ा ऑक्युलर माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, उस सब्जेक्ट में भी मेरी फर्स्ट डिवीजन नहीं आई थी। ये परमात्मा की कृपा नहीं तो और क्या। 2 दिल्ली पहुंच गया।